ये हमने टिकटें ले ली, अब इन होने लगे हैं सफारी जू में। ये हम इस वक्त आए हैं, ये मैप देख रहे हैं और ये हम जिस जगह पे जाना है, यहाँ पे एलिफेंट हाउस है, आगे टाइगर सफारी है, स्नेक हाउस है, लेपिड हाउस है, लॉन है, ये हम सब घूमेंगे। अब ये सारी हम जाके जगह देखते हैं, बहुत प्यारी जगह है। तो ये हमारा आप दूसरा व्लॉग शुरू है, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। अनस भाई जी, वो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, रुकिए टिकट चेक करवाएं। टिकट चेकिंग, यहाँ पे तो कोई चेकर नजर ही नहीं आ रहा हमको। अनस भाई आपको कोई नजर आ रहा है? नहीं, नहीं यार, कोई नजर नहीं आ रहा यार। अजीब है, देखिए रुकी है, हम रुक गए हैं, वो टिकट चेकर अभी नजर नहीं आ रहा यार। लगता है हमारे साथ किसी ने मजाक किया है। मजाक किया, हम चलो आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं। आगे चलते हैं। और अब हम चलते हैं जैगुआर की तरफ, ब्लैक जैगुआर। आए ना तुम, चलते। ये देखिए ब्लैक जैगुआर है। नाज़रीन, इसकी रफ्तार तकरीबन फी घंटा 80 किलोमीटर बनती है जैगुआर की, और इसकी खुराक एक दिन में 6 किलो है। आपको पूमा टाइगर दिखाते हैं, चल नाज़रीन ये देखें, ये पूमा है, इसकी खुराक एक दिन की 5 से 6 किलो है, और ये अमेरिकन जानवर है, ये बहुत खूबसूरत जानवर है। वो देखे, ये छोटा सा घोड़ा, छोटा भी और खूबसूरत भी है। लगता है कि तुम बहुत खतरनाक हो। ठीक है, अब हम चलते हैं लाइन सफारी की तरफ। अब उधर जाके देखते हैं लाइन को, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ खाया पिया भी कि नहीं, ये वैसे ही बैठे हैं। ये जो आपने बब्बर शेर देखा है, ये साउथ अफ्रीका का है, और ये इसकी एक दिन की खुराक 10 किलो, और इसकी फी घंटा रफ्तार 80 किलो। ठीक है, अपने बच्चे को प्यार करें। चलें आगे चलते हैं, परिंदों को देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं। हम जाते हैं अंदर, आ जाओ। अब हम परिंदों की तरफ आ गए हैं।
अनस भाई ये इन्होंने पुल बनाया, ब्रिज बनाया और ये स्विमिंग पूल है परिंदों का, ये भी सारा और ये भी, और ऊपर इन्होंने जाल लगाया हुआ कोई परिंदा उड़ ना जाए। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं, डक हैं और पैरट है, पीकॉक है, पैरट नहीं है, अफ्रीकन ग्रे भी है, मकाऊ भी है, मकाऊ भी है, ये तो आराम कर रही थी, आपने इनको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, बस तो माजरत तो उनसे बनती है, हमें उनसे माजरत कर लेनी चाहिए जी। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल आपने ठीक है, ये इनको आराम करने का टाइम था, आराम करते हैं हम, वो चलते हैं भाई, एक पीकॉक अपने पर खिलाए हुए है उसको देखते हैं, चले जाके चलते हैं, वो देखो बहुत प्यारा लग रहा है, आ जाओ आ जाओ। प्यारा लग रहा है, ये अपने खुशी का इजहार कर रहा है। Thank you.
से जालियां आ रही है ऐसे नहीं आ पानी को ये देख रहा है कौन है कि थमथम ए डॉक्टर है क्या फोन का इन्हें भी हाल रोड तो पाई रिपेयरिंग का कोर्स किया है ये अनस भाई ये देखिए ये शेरनी कमाल से करीब से देख रहे हैं बिल्कुल पास बैठ जाते हैं इनके क्या हाल है तुम्हारा ठीक हो अनस भाई ये तो मेरे मौखी भी हैं जी ये देखो ये क्या कर रही हो हेलो मिस्टर ये आपस में मुजाकरात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत परेशान सी लग रही है अगले इलेक्शन कौन लड़ेगा दस्ते पर ये बता रहे हैं अगले इलेक्शन कौन जीतेगा आसिफ भाई वो देखे मगरमच्छ अच्छा इधर है उनका तालाब लगता है ये पानी का इसके अंदर है कि बाहर है एक बाहर है और दो तीन अंदर ही है मेरे साथ एक ही है मुझे लग रहा है एक ही है यार और देखे कितना बड़ा मगरमच्छ है ये क्या खा रहा है ये चिकन पड़ा हुआ है इसका निकला खराब हो गया ना जी ये देख सकते हैं आप ये पानी के अंदर ये चिकन है ये इस दरख्त के पीछे ये चिकन पड़ा हुआ और इसने लगता खाया नहीं या खा चुका होगा ये नाराज है इसलिए नहीं खाया इसने लगता ज़्यादा नाराज़ है कहेगा कहीं खुली जगह में घूमता क्या मैं मुझे इसको बंद कर दिया और ये भी देखते हैं हम इसका एक ये क्या हिरन है ये ओहो बहुत प्यारा सा है और इसका एक सींग नहीं है लगता है यहाँ तो ये खुद ही ना आपस में लड़ाई कर रहे होंगे तो हादसे का शिकार हो गया जी ऐसे लग रहा है आपके ख्याल से क्या है देखो प्यारा सा है प्यार माशाल्लाह माशाल्लाह चलें अब हम चलते हैं झील की जाके सैर करते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा मंजर है चलो ठीक है ये तो बहुत अच्छा है अनस भाई आपने मशवरा दिया ताकि हम आपको दिखाते हैं जाके हमारे चैनल के नाज़रीन आप हमको ये देखें आपको हम दिखाते हैं ये सफारी ज़ू की झील है तो बहुत प्यारी है यहाँ पे कश्तियाँ भी हैं पैदल बोट भी हैं और मोटर बोट भी है तो ये बहुत प्यारा मंजर है इन्होंने काफ़ी बीच में रास्ते बनाए हैं पानी के ज़रिए जहाँ से आप बोट में आ सकते हैं इसमें बकते भी बहुत ज़्यादा हैं डक हैं और ज़्यादा परिंदे हैं तो बहुत ही ये प्यारा मंजर है ये मेरा तो दिल खुश हुआ यहाँ पे आकर काफ़ी हम इंजॉय कर रहे हैं तो आप भी मेरे साथ ज़रूर इंजॉय करें हमें लाइक्स और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा